आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे स्पेशल में देखिए आर्थराइटिस पर विशेष बातचीत डॉक्टर भरत मोदी से। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो ये है लिविंग बेटर एजिंग वेल, यानी कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी होगी तो आपकी जो उम्र है यानी कि जो आपकी एज है वो ज़रूर से बढ़ेगी। हर साल काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ये जो डे है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे वो मनाती हैं। क्यों मनाती हैं? क्योंकि उनको अवेयरनेस फैलानी है आर्थराइटिस बीमारी की। इसी उपलक्ष में यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष में आज हम बात करने वाले हैं वेलकेयर हॉस्पिटल और वडोदरा शहर के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर भरत मोदी से। वेलकम टू अवर शो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आर्थराइटिस बीमारी क्या होती है, उसका कारण क्या होता है? आर्थराइटिस वो कोई नई बीमारी नहीं है, सदियों से, इनफैक्ट आदि मानव जब जन्म लिया था तब से आदि मानव के अवशेष में भी आर्थराइटिस के चिन्ह देखने मिले हैं। बट वो आजकल बहुत व्यापक इसलिए हो गया है क्योंकि समाज में जो जीवन शैली है वो जीवन शैली में अलग अलग परिवर्तन आए। जैसे कि पहले की तरह हम अब खेत खलिहान के मजदूर हर आदमी नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग टेबल कुर्सी पर बैठ के टेबल और मेज पर उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। तो जीवन शैली के परिवर्तन, समाज में बूढ़े वर्ग की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज अगर आप अपनी आयु देखें तो एक सरेराश भारतीय की आयु सामान्य रूप से आज 75 साल 80 साल आराम से कोई सिटी में तो मान लेगा कि वो इतना जिएगा। तो जैसे जैसे समाज में बूढ़ेपन का वर्ग की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आर्थराइटिस जैसे रोग की जो उम्र के साथ शरीर के जीर्ण होने के कारण पैदा होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आर्थराइटिस बहुत व्यापक रूप से देख रहे हो और वो खतरनाक इसलिए है कि वो आदमी या व्यक्ति को जो रोग से पीड़ित होते हैं इस रोग से उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। वो इतनी हद तक बढ़ सकता है कि भाई पेशाब पानी करने में भी उनको एकदम अतिशय दर्द महसूस ही हो। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। सर मेरे जहन में ये सवाल आया है कि आजकल का यूथ यानी कि यूथ में एवास्कुलर नेक्रोसिस बीमारी काफ़ी पाई जाती है, वो क्यों? ये जो प्रश्न आपने पूछा एवास्कुलर नेक्रोसिस का वो एक विचित्र रूप ले रहा है कि यंग एज एकदम ही जवान उम्र में ये रोग से लोग पीड़ित होते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझे अपन, तो मैं इस छवि के आधार पे चित्र के आधार पे अपने प्रेक्षकगण को बताऊंगा कि ये है अपने ये जो नितंब बोलते हैं तो थापे के सांधे का जो रूप है वो ये है। नितंब के अंदर जो गोला होता है वहाँ पर जो खून का प्रवाह होता है वो धीमे धीमे करके कई कारण के हिसाब से बंद हो जाता है और वो ज़्यादातर आजकल जो देखने मिलता है वो है मदिरा पान का सेवन करना। जैसे हमारा समाज समृद्ध बना और थोड़े से मॉडर्न हम बने तो यंग एज में आजकल आप देखोगे कि जवान युवान लोग के हाथ में मदिरा पान का थोड़ा ज़्यादा ही एक ढांचा चल पड़ा है। तो ये मदिरा पान की सेवन के कारण यहाँ के खून का जो प्रवाह होता है वो खून लहू वहाँ पर घूमने बंद हो जाता है और धीमे धीमे करके ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ जाने के कारण ये जो एकदम अच्छा स्मूथ था उसकी बदले ये लाल एकदम खतरनाक रूप से दर्दजनक बन जाता है। इस रोग का नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसमें होता क्या है कि जवानी में ही 25 साल का 30 साल का युवान दर्द के कारण पूरी अपनी कार्यक्षमता गंवा देता है और जो एक हंसता खेलता नौकरी करता हुआ व्यक्ति अपने घर के अंदर लेट जाता है खटिए पे। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है एवास्कुलर नेक्रोसिस और खास करके मदिरा पान के सेवन के कारण ये आगे बढ़ता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस का इलाज कैसे किया जाता है? ये जैसे मैंने बताया कि जवानी में ही लोग को नीचे गिरा देता है तो ये व्यक्ति को वापस कार्यक्षमता कैसे दिलाना, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कृत्रिम सांधा ये जो जोड़ है वो जोड़ को बदल देनी पड़ती है क्योंकि वो तो पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये नई जोड़ को जो हम लगाने की जो प्रक्रिया बोलते हैं जिसको टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट नाम का जो शल्य क्रिया है इस शल्य क्रिया का नॉर्मली बुढ़ापे में करना में कोई चिंता नहीं रहती है लेकिन अभी तक ये थोड़ी सी मन में
एक चिंता खड़ी होती रहती थी शल्य क्रियक के मन में, सर्जन के मन में और रोगग्रस्त जो व्यक्ति है मरीज के मन में भी, कि छोटी उम्र में अगर मैंने ये कृत्रिम सांधा अपने अंदर बिठा दिया तो ये कृत्रिम सांधा की आयु कितनी है, अगर 10 साल में ये घिस गया तो मैं कितने साल तक, अभी तो मेरी उम्र और 50 साल बाकी है, तो 5 बार ऑपरेशन कराऊँ क्या? तो इस जो चिंता रहती थी मन में वो अब एक नई टेक्नोलॉजी आने के कारण हल हो चुकी है, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है X3 टेक्नोलॉजी। X3 टेक्नोलॉजी में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ का जो प्लास्टिक का ये जो कप है और यहाँ पर जो स्टील का गोला है, जो पहले ये एक दूसरे के सामने घर्षण के कारण घिस जाता था और 10 साल से ज़्यादा नहीं टिकता था, वो ये X3 टेक्नोलॉजी में ऐसा परिवर्तन यहाँ पर लाया गया है कि ये 50 साल तक चल सकता है घिसे बिना। कि अगर कोई जवान या ऑफकोर्स उम्र लायक व्यक्ति सांधे के कारण, दर्द के कारण अगर पीड़ा सहन कर रहा हो, तो ये X3 टेक्नोलॉजी के उपयोग या माध्यम के द्वारा हम उसको आजीवन एकदम नॉर्मल बना सकते हैं, एकदम सामान्य रूप से वो वापस ज़िंदगी जी सकता है कोई भी दर्द या कोई तरह के कमियाँ बिना। तो ये X3 टेक्नोलॉजी हम वेलकेयर हॉस्पिटल में नया लाए हैं, ये इंडिया में पहली बार यहाँ पर लॉन्च हुआ, 3-4 महीने से 6 महीने से इसका प्रयोग हो रहा है और कई जवान लोग हमारे यहाँ से इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेके वापस अपने जीवन की कार्यक्षमता हासिल कर चुके हैं। सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आर्थराइटिस बीमारी में ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, संधिवा, उम्र का घिस जाना, गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो आर्थराइटिस हैं वो कौन सा आर्थराइटिस किस मरीज में कितनी मात्रा में आगे बढ़ा है उसके आधार पे तय होता है कि उस मरीज में शल्य क्रिया की ज़रूरत है और कौन से प्रकार की शल्य क्रिया की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमारे वेलकेयर हॉस्पिटल में कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए माना गया है, हमारे यहाँ पर कई विकल्प हैं। सिंपल दवाइयों की टैबलेट से भी हम आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंजेक्शन देके भी कंट्रोल कर सकते हैं, कसरत विभाग में भी ये इसका कई तरह से उसको काबू में रख सकते हैं। और ये सब अगर इससे आगे बढ़ गया दर्दी का प्रॉब्लम तो हम उसको शल्य क्रिया से भी अच्छा कर सकते हैं। तो शल्य क्रिया में एक विकल्प है, छोटा सा बहुत ही मन को भा जाए ऐसा विकल्प कि वो 10 मिनट का काम होता है, छोटे से छिद्र में से, जैसे आप देवियाँ यहाँ कान की छेद बनाते हैं ना अलंकृत आभूषण पहनने के लिए, तो उसी प्रकार के छोटे से छिद्र में से एक पेंसिल जैसा पतला दूरबीन रखकर लेज़र सर्जरी करते हैं, 10 मिनट का काम होता है, अंदर रिपेयर वर्क कर लेते हैं और 2 घंटे में दर्दी चलते घर जाता है, उसको ना कोई काटकूट होती है, ना खून बहता है, ना शीशी सुंघानी पड़ती है, ना बेहोश करना पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं आर्थरोस्कोपी। कई बार बहुत ही विकृत आगे बढ़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा पैर या सांधा लेके लोग हमारे यहाँ पधारते हैं, उन लोग में ये शल्य क्रिया छोटी वाली काम नहीं देती है, तो उसमें हम करते हैं टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट नाम की जो क्रिया है। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में अगर जैसे कि घुटना होवे तो ये पूरा जो घुटना खराब हो चुका होता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, उस पर ये नया स्तर बिठा देते हैं और ये नया स्तर बिठाने से वापस घुटने की नत एक तो संतुलनता वापस आ जाती है और ऊंचा नीचा जो होने की जो क्रिया है उसमें जो घर्षण होता था जिसके कारण वो भयंकर दर्द से पीड़ा सहन कर रहे थे वो पूरा एकदम सामान्य रूप से चला जाता है। और इसके उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पर आप एक आध में हो सके तो दृश्य दे के उदाहरण दिखाऊंगा कि दर्द से तरसते हुए व्यक्तियाँ एक पूरा जीवन का परिवर्तन ऐसे आता है कि जो अभी अभी नवरात्रि गई है तो आप उदाहरण से देखेंगे कि वो नवरात्रि में वापस गरबा करना चालू कर सकते हैं। जब भी ऑपरेशन होता है उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की संभावना और इन्फेक्शन की संभावना क्या होती है, उसके बारे में बताइए। अच्छे से अच्छा शल्य क्रियक हो और अच्छे से अच्छी शल्य क्रिया की गई हो, लेकिन अगर इन्फेक्शन यानी कि सूक्ष्म जीव का वहाँ पर लग जाना और चेप लग जाना, ये अगर हुआ और अगर अंदर मवाद बैठ गई तो वो जोड़ कायम के लिए खलास हो जाती है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि अब नेचुरल मन में ये प्रश्न उभर के आएगा कि ऐसी कैसी व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम ना बने,
कि शल्य क्रियक ने सर्जन ने अच्छे शल्य क्रिया करी उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होवे और करने समय पर भी सर्जन को ऐसी सुविधा मिले कि जो इर्द गिर्द में कोई तकलीफ में ना बैठे। ऐसे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म अब खड़े हुए हैं हर हर शहर में इस देश के। सूक्ष्म जीव हवा के जरिए अंदर बैठते हैं। अगर आपके ऑपरेशन थिएटर में ऐसी व्यवस्था हो कि 0.3 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन होके वहाँ पर जाए, यानी सूक्ष्म जीव को पूरा, जैसे आप चाइनी में जो बोलते हैं गुजराती में चाइनी में, वहाँ से ही रोक लो आप, जो हवा जिसमें से पसार कर रही है उसी में वहाँ पर सूक्ष्म जीव को बंद कर दो और टोटली सूक्ष्म जीव रहित हवा नीचे आपके घाव पर जाती है, तो वहाँ पर ऑपरेशन के बाद मवाद लगने की या चेप लगने के नहीवत प्रसंग बन जाते हैं। अब जबकि आपने कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शन के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने ऐसा सुना है कि आपका अटलाद्रा में जो वेलकेयर हॉस्पिटल है वो मॉडर्न इक्विपमेंट से सज्जित है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। आपने मेरा हृदय का तार आज तो छेड़ दिया है, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से लेके 6 साल तक की मेरी पूरी जिंदगी की पूरा जोश मैंने एक वैश्विक स्तर की अस्पताल की प्लेटफॉर्म खड़ी करने में लगा दिया था। आज से 4 साल पहले जब अपने हाल के प्रधानमंत्री, जब अपने राज्य गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हीं की ओर से मुझे न्योता मिला था कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में आप वडोदरा सांस्कृतिक नगरी के रूप में तो मानी जाती है लेकिन अब स्वास्थ्य नगरी के रूप में मानी जाए, ऐसा कुछ करके दिखाइए डॉक्टर। तो मैंने वो चैलेंज ली थी सर पे और अटलाद्रा के पास हमने एक 5 एकड़ के बढ़िया सुविधा वाली ज़मीन में एक वेलकेयर हॉस्पिटल नाम का प्रोजेक्ट का स्थापित किया। आज 4 साल के बाद वो सक्रिय हुआ है और ये दिवाली के बाद हम वहाँ अपना काम चालू करेंगे। वैश्विक लेवल की वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमने अंदर रखी है इस अस्पताल में। उसके जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो इटाली से इंपोर्ट किए गए हैं, पूरे ऑपरेशन थिएटर्स इटाली से इंपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट होती है, अब प्रकाश ढंग से कारीगरी करने के लिए, हमारा जो शल्यक्रिया का काम होता है वो बहुत बारीक कारीगरी का काम होता है, तो उसमें प्रकाश कितनी अच्छी तरह से मिल रहा है सर्जन को बहुत अहमियत रखती है। तो वेलकेयर अस्पताल की जो लाइटें हैं ऑपरेशन थिएटर की, वो कैसी है, वो इतनी बढ़िया कंप्यूटर चिप वाली लाइटें हैं कि वहाँ पर अगर कोई टीम मेंबर का मत्था सर बीच में आया और लाइट कम पड़ी तो कंप्यूटर पिकअप कर लेता है कि कितनी लाइट कम पड़ी और बाकी के जो बल्ब होते हैं वो ऑटोमेटिकली इतनी ब्राइट जलने चालू हो जाते हैं कि शल्यक्रियक को, सर्जन को घाव के ऊपर की लाइट एकदम एक स्टेडी मात्रा में मिलती है। वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, वहाँ के जो खटिए हैं वो भी एकदम मॉडर्न, एकदम अमेरिका से इंपोर्ट किए हुए जो खटिए हैं। वहाँ के जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो हमने ऐसी की है कि पानी में भी कोई सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश न कर सके। हम उम्मीद रखते हैं, हम ऑलरेडी बड़ौदा में दूर दूर से, देश विदेश से लोग आए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ के हमारे वहाँ पर ऑपरेशन करवा के गए हैं, लेकिन ये वेलकेयर अस्पताल के सक्रिय होने के बाद हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वडोदरा को हम सांस्कृतिक नगरी के उपरांत स्वास्थ्य नगरी का भी एक नामना देश में और विदेश में भी हम स्थापित करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष में आज हमने बात की वेलकेयर हॉस्पिटल और वडोदरा शहर के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर भरत मोदी से। सर की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये सभी यूथ को फॉलो करने जैसी है कि आप जो शराब पीते हैं उसे बंद करिए, क्योंकि अगर आप ये शराब का सेवन चालू रखते हैं, उसे ज़्यादा पीते हैं, अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो आपको एवैस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए प्लीज़ आप अपना शराब का सेवन बंद करिए। मैं हिमादी चौहान अगले हफ्ते एक और नई डॉक्टर के साथ एक और नई अवेयरनेस चर्चा पे मिलूंगी। तब तक के लिए फिट रहिए, फाइन रहिए और देखते रहिए VNM न्यूज़।